अभी मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग किया और पापा भी सो रहे हैं, तो अभी मेरा पेपर है, फिर मैं पेपर दूंगी। और दामा भी अभी रिवाइज कर रही है, तो मैं आपको पेपर देने के बाद मैं दिखाती हूँ। मम्मा अभी 10 वाला चैप्टर थोड़ा रिवाइज कर रही हूँ, अभी दिखाती हूँ। देखो हमारा टाइम वाला चैप्टर तो हमने कर लिया ना, आ गया ना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से आ गया। और एक और चैप्टर भी किया था हमने, कौन सा था? कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी थोड़ी आना है, वेट। हाँ वेट। और एक और चैप्टर भी था मनी, मनी। हाँ मनी भी हमारा अच्छे से हो गया, वेट रह गया। वेट हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सही है ना वेट का। हाँ चल अभी देखते हैं, एग्जाम शुरू होने वाला है ना। मैं टाइम देख लूँ एक बार कितना हुआ। टाइम तो मैंने देख लिया, अभी मैं डेट शीट और चेक कर लेती हूँ एक बार। फेवरेट में रखी है, ये डेट शीट है रुकू तेरी। ओ पेपर तो हमारा आज मैथ का नहीं है, आज तो हमारा इंग्लिश 2 का पेपर है। हमने पूरा मैथ का रिवाइज किया। अब क्या होगा? चलूँगे अभी फटाफट, तेरे को मैं रिवाइज करती हूँ। वैसे तो तूने सारा पढ़ा ही हुआ है, लर्न तो है ही तुझे, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम फटाफट तैयारी कर लेते हैं। तुझे सारा कुछ आता ही है। मैंने डेट शीट चेक की थी, रुके मेरी गलती नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अभी फटाफट लर्न करा देती हूँ। वैसे भी तूने लर्न किया हुआ है, रिवाइज ही तो करना है हमने सिर्फ। आपकी गलती है, आपने। अच्छा हाँ मेरी गलती है, सॉरी। बस चल फटाफट हम रीड कर लेते हैं, वैसे तो तूने लर्न किया ही हुआ है। नहीं बस वरना अच्छे से रिवाइज करना है, बाकी सब हो गया। तो गाइस अब मैं डुगू को फटाफट पेपर की तैयारी करवा देती हूँ। वैसे तो उसकी तैयारी है ही, पर थोड़ा सा उसको रिवाइज करवाना है। वैसे तो इजी है ऑनलाइन पेपर देना, और दूसरा वैसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आने हैं, बच्चा को स्टोरी का पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो वो अपने आप कर ही लेता है। वैसे डुगू को आता है स्टोरी, उसने सारी अच्छे से रीड की हुई है, तो उसे नहीं आएगी प्रॉब्लम। चलो देखते हैं, पेपर में मिलते हैं। तो गाइस मैंने डुकू को डेट शीट देखी नहीं ध्यान से, और उसको गलत से मैथ की तैयारी करा दिया। पर हमें एक और फायदा हो गया डुगू के लिए, है ना डुगू? अब हमें मैथ की तैयारी अच्छे से हो गई है, और अब हमारा मैथ का पेपर बहुत अच्छा होगा। और इंग्लिश 2 का तो हमने पहले से ही तैयार कर रखी थी, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। और अब हम इंग्लिश 2 का पेपर शुरू होने वाला है डुगू का, तो अब इंग्लिश 2 का पेपर देगी वो। फिर दोस्तों फिर मिलते हैं देख के बाद। पेपर कैसा हुआ? हो गया पेपर? बस ये लास्ट आंसर है, आता सारा सारा आता, पर ये लास्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें रब्ड की स्पेलिंग पूछी है, और मैं अभी सोच रही हूँ कौन सी हो सकती है। रब्ड तो नहीं आएगा, और एक रब है तो एक ही है रब्ड, तो वही है ना। ओके तो वही आंसर है, मैं टिक कर देती हूँ और सबमिट भी कर देती हूँ। सबमिट पर डुगू आगे से ध्यान रखना कि कौन सा पेपर किस टाइम है, ऐसी गलती ना बार बार मत किया कर, खुद ही डेट शीट देख लिया कर ना। तो गाइस आज डुगू का पोपट हो गया, हमने उसको दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करवा दी थी, प्रिपरेशन करवा दी थी, और डुगू का पेपर था इंग्लिश 2 का, और हमने उसको मैथ की तैयारी करा दी थी। डुगू को ना बहुत ज़्यादा ये गुस्सा भी आ रहा था उस टाइम कि मम्मा ये क्या कर दिया आपने, ये उसके रिएक्शन हमने नहीं लिए वीडियो में, बट तो उसके रिएक्शन देखने वाले थे। बट वो थोड़ी सी ठीक है, वो मान जाती है जल्दी, उसको इतना नहीं फील होता। अगर उसकी जगह दाम्या होती तो शायद वो तो मेरे को जीने ही ना देती। है ना दामू? क्योंकि मुझे अपने पेपर की परवाह, उसको परवाह नहीं है। हाँ पर डुगू वैसे अच्छी है पढ़ाई में, तो वो जल्दी तैयारी कर लेती है, इसलिए मुझे उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। देखो
ये बबल्स बना रही है, ये देखो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। गाइस ये दाम में आ गया। दामू तेरा पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ, इजी था। अच्छा आसान था? yes. आता था सारा? यस yes. बस तू अब ये गेम खेलने लग गई है? नहीं क्यों भी है, फोन में थोड़ी खेल रही हूँ। गलत बात ना, अभी दूसरे पेपर की तैयारी कर ले। अभी तो पेपर दिया, रेस्ट तो चाहिए होता है ना माइंड को। अच्छा और फिर दिन में पढ़ेगी? हाँ यस okay. रात को भी। चल ठीक है फिर, ओके okay. चलो गाइस अब हमें ऑफिस निकलना है, अब हम ऑफिस जा रहे हैं, बाय, बाद में मिलते हैं आपसे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आज मॉर्निंग टाइम है और अभी हम जा रहे हैं मीटिंग के लिए अंबाला, शाहबाद और पानीपत। तो गाइज आप हमारे साथ बने रहे हैं, आपको रास्ते में थोड़ा थोड़ा सा झलक दिखाते रहेंगे ट्रैवलिंग का। और ये कस्टमर मीटिंग्स हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, तो अभी निकल रहे हैं पंचकुला से। तो गाइज अभी चलते हैं मीटिंग्स के लिए और मिलते हैं। सो गाइज अभी दो मीटिंग हो गई है, अंबाला हमने क्लाइंट्स के साथ डिस्कशंस कर लिए हैं। क्लाइंट काफ़ी हैप्पी है अंबाला में, काम ऑन ट्रैक है। शाहबाद हमें जस्ट हैंडओवर फॉर्मेलिटीज़ करनी थी, तो वहाँ पे हमें सीईओ से मिलना था, तो वो भी डिस्कशन हो गया हमारा, अच्छी मीटिंग रही है। अभी हम पानीपत पहुँच गए। पानीपत संदीप जी और टीम गई है अंदर जस्ट विज़िट करने के लिए, और यहाँ मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो जस्ट विज़िट करके अभी आ रहे हैं, तो मैं गाड़ी में उनका वेट कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे ही वो आते हैं तो हम वापस चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे। तो यहाँ से चंडीगढ़ पहुँचने में अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 घंटे का टाइम लगेगा। तो बीच में अभी हमने एक ब्रेक लिया था, स्मॉल ब्रेक, जहाँ पे हमने जूस लिया है। वापसी में अभी लंच का देखते हैं, नीलकंठ प्लानिंग है कि रुक के लंच करेंगे, लेट्स सी। अब तक आप हमारे साथ बने रहें। तो गाइज घर पहुंच गए हैं, अभी 9:30 का टाइम हो गया है, अभी जस्ट पहुंचे हैं। तो आज का दिन तो काफ़ी ट्रैवलिंग में निकल गया, सारा दिन 3-4 मीटिंग अटेंड किए, घर पहुंचे, अभी चेंज कर लेते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं, काफ़ी भूख लगी है। तो गाइज आपने ये मखाने खाए हैं कभी? हमने बचपन में बहुत खाए हैं। पहले इन मखानों में पता था हम क्या होता था? इन मखानों के अंदर ना चने होते थे। मैं इसीलिए लाई थी कि मैंने कहा इनके अंदर चने होंगे, पर अभी हमने जब खा के देखा ना, वो चना निकला ही नहीं, वरना यहाँ पे चना फिल होता है और फिर ये मीठा होता है। इसका टेस्ट सच में बहुत टेस्टी होता था उस टाइम, और अब तो ये अलग से आते हैं, और इनका नाम भी पता नहीं क्या रख दिया होगा इन्होंने। गाइस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक आ वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट डाउन कि इस वीडियो का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे डिगू मम्मा और पापा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। नहीं मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आवाज भी निकल गई।